हाइड्रोकार्बन से दो तरह के होते हैं, सैचुरेट अनसैचुरेट। सैचुरेट मतलब सिंगल बॉन्ड, इसमें दो कैटेगरी है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, राइट। अच्छा अब क्या करना है आपको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम दिया हुआ है जिनको हम बोलते हैं अल्केन, इनका नाम है अल्कीन और इनका है अल्काइन, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आएगा, ए एन ई लिखा है तो सिंगल बॉन्ड समझना है, ई एन ई लिखा है तो डबल बॉन्ड समझना है, और वाई एन ई लिखा है तो ट्रिपल बॉन्ड समझना है, ठीक है। ये आपको मतलब एक आइडिया दे देगा कि हमें कितने बॉन्ड रखने हैं, ठीक है। अल्कीन अल्केन और अल्काइन, ये तीनों से आपको आइडिया मिलेगी कि कितने बॉन्ड रखने हैं। जैसे मैं लिखूं प्रोपेन, तो यहां से मुझे आइडिया मिलेगा मीथेन इथेन प्रोपेन, मतलब थर्ड नंबर पे आता है। एक मिनट, भगीरथ भाई डाउन छे? વાંધો નહીં, હા प्रोप मतलब थ्री और ए एन ई, आप देख सकते हो ए एन ई मतलब यहाँ इसकी बात हो रही है, मतलब क्या करना है, सिंगल बॉन्ड लेना है आपको, सिंगल बॉन्ड, राइट। मतलब तीन कार्बन के बीच में आपको सिंगल सिंगल बॉन्ड से आपको अरेंजमेंट करनी है। यहाँ पे ऐसा लिखा होता प्रोपीन, आप देख सकते हो प्रोप मतलब थ्री कार्बन और ई एन ई मतलब इसकी बात हो रही है, मतलब आपको डबल बॉन्ड लेना होता, लेना होगा डबल बॉन्ड, मतलब तीन कार्बन के बीच में आपको एक बार डबल बॉन्ड लगाना है। अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, तो जस्ट आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। फिर लिखा होता प्रोपाइन, प्रोपाइन समझ जाना है, प्रो मतलब थ्री कार्बन और वाई एन ई मतलब तीन का तीन बॉन्ड की बात हो रही है, ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि मुझे कितने बॉन्ड लगाने हैं, ठीक है। अभी मैं आगे आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी जस्ट आपको वर्ड देख के समझ में आना चाहिए कि कितने कार्बन लेने हैं और कितने बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ प्रियांशी? हाँ सर। ओके बारी बारी शुरू किया जाए, ध्वनि से शुरुआत करेंगे। ध्वनि
चलिए ध्वनि बताओ पहले में क्या होगा। थ्री थ्री कार्मा। सर हाँ बोलो। हाँ सर थ्री कार्बन। थ्री कार्बन लिखा 3 कार्बन। ये नहीं लिखा हुआ है पीछे, तो कितने बॉन्ड लेने हैं? ध्वनि सर बॉन्ड को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? बॉन्ड कितने कितने बॉन्ड लेने हैं? ई एन लिखा हुआ है। वन कितने बॉन्ड लेने हैं? डबल बॉन्ड आएगा, ध्वनि आवाज नहीं आ रही है। दिग्विजय सेकंड हाँ नंबर सर डबल। डबल बॉन्ड। हाँ बराबर बिल्कुल सही है, डबल बॉन्ड आएगा, सही है। दिग्विजय यस सेकंड बताओ। इथ में कितने कार्बन आएंगे? दिग्विजय प्रियांशी नहीं, तुम्हारा टर्म आए तब बताओ। आवाज नहीं सुनाई पा रही शायद दिग्विजय को। प्रियांशी बताओ। टू कार्बन और टू वाई एन कार्बन और सेवन बॉन्ड। सेवन बॉन्ड। नहीं 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 वाई एन ही है, वाई एन ही है, वाई एन ही। अभी थ्री थ्री बॉन्ड ही रखेंगे, अभी थ्री बॉन्ड ही रखेंगे हम। ओके जैनी फोर कार्बन। बॉन्ड कितने आएंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री एन ही है, वन खुशी यस सर फाइव कार्बन एंड वन बॉन्ड। प्रिंस नवोदय प्रिंस नवोदय कौन बताएगा? हाथ ऊपर कर रहे। प्रियांशी बताएगी, प्रियांशी बताओ।
वो 10 और ये वो 3rd, 10 कार्बन और 3rd बॉन्ड। चलिए बिल्कुल सही प्रिंस जलाराम। प्रिंस भी नहीं है, कौन बताएगा? युक्ति। थ्री कार्बन वन बॉन्ड। तीन कार्बन और वन बॉन्ड। वन बॉन्ड। वन बॉन्ड बिल्कुल सही। प्रियांशी। फोर ये कार्बन और दो बॉन्ड। राधिका। सेवन कार्बन और वन बॉन्ड। श्रद्धा। एट कार्बन एंड थ्री बॉन्ड। टॉक्स। टेन कार्बन एंड वन बॉन्ड। युक्ति। टेन कार्बन थ्री बॉन्ड। ध्वनि। नाइन कार्बन टू बॉन्ड। शिवांग। नाइन कार्बन वन बॉन्ड। दिग्विजय। थ्री कार्बन थ्री पॉइंट थ्री बॉन्ड। जैनी। वन कार्बन थ्री बॉन्ड। खुशी। वन कार्बन टू बॉन्ड। युक्ति। वन कार्बन वन बॉन्ड। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे वाला टॉपिक ध्यान से देखना। हमने ये जो कुछ भी पढ़ा है वो सारा कुछ क्या पढ़ा है, हमने हाइड्रोकार्बन के अंडर पढ़ा है। ये क्या था हमारा? हाइड्रोकार्बन था, मतलब आपको हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का यूज करना है। अब देखना मैं क्या बना रहा हूँ, मीथेन बना रहा हूँ। मीथेन, मीथेन नाम तो समझ में आया होगा, एक कार्बन एक बॉन्ड लेना है, एक कार्बन और सिंगल बॉन्ड एक बॉन्ड लेना है, मतलब दो कार्बन तो होंगे नहीं। तो मैंने देखा दिया, देखो कैसे बनाया, मैंने एक कार्बन ले लिया और मुझे मालूम है कि एक कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, एक दो तीन चार। अब जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे क्या लगाना है आपको? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है? तो देख सकते हो ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? CH4। कार्बन एक है, हाइड्रोजन फोर है। और एग्जाम में मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको ऐसा पूछा जाता है कि ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। आपके बुक में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहां पे ड्रॉ करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। आपको पता है हाइड्रोजन का नंबर क्या है? वन। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन है इसके पास, इसीलिए हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होगा। उस एक इलेक्ट्रॉन को मैंने हाइड्रोजन के बाजू में क्रॉस करके दिखाया है, ठीक है? ओके। और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? चार इलेक्ट्रॉन हैं, एक दो तीन और चार, राइट? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट करके दिखाया हुआ है रेड कलर से,
और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको मैंने क्रॉस करके ब्लैक पेन से दिखाया हुआ है। अब हाइड्रोजन चाहता है कि कैसे भी करके मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरी पहली ऑर्बिट है वो एकदम फुलफिल हो जाए, मैं हैप्पी हो जाऊं। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और अपने आप में हैप्पी हो जाता है। सेम टू सेम ये वाला हाइड्रोजन भी इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और हैप्पी हो जाता है। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा, कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हैप्पी हो जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हैप्पी हो जाएगा। चलिए कार्बन तो हैप्पी, अरे हाइड्रोजन तो हैप्पी हो गया। अब कार्बन क्या करेगा, जरूरत पड़ने पर कार्बन क्या करेगा, इन्हीं हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अपने पास तो 4 इलेक्ट्रॉन थे और ये 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग हाइड्रोजन से लेगा, जिसकी वजह से उन कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कार्बन भी कैसा हो गया, खुश हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये बनेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसमें देख सकते हो सर्कल बनाया है, उसमें कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं और जो ब्लू कलर का सर्कल बनाया है उसमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, दोनों आपस में दूसरे को हैप्पी बना रहे हैं। इसीलिए ये कैसा बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग वाला बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ये आपके एग्ज़ाम में आता है और जब मैं संडे को टेस्ट लूँगा तब भी मैं आपको 100% पूछूँगा। अभी से आप मार्क करके रख लो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। और ये किसका स्ट्रक्चर है, मीथेन का स्ट्रक्चर है। मीथेन फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, हेलो यस और नो? चलिए दूसरा बनाएंगे। मीथेन के बाद कौन आता है, इथेन। इथेन यहां से आपको 2 कार्बन और एनी मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। चलिए पहले 2 कार्बन ले लेते हैं हम। 2 कार्बन ले लिया और 2 कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड रखने हैं मुझे, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड रख लिया। चलिए अभी भी कार्बन की ये वाली वैलेंसी खाली है, ये वाली वैलेंसी खाली है, ये वाली वैलेंसी खाली है, इस कार्बन की वैलेंसी खाली, ये वैलेंसी खाली और ये वाली वैलेंसी खाली। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे वैलेंसी खाली होगी वहाँ पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। इसको मैं यहां से ब्रेक करूं तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर इसको मैं साथ में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन C2H6। ये किसका फॉर्मूला हुआ, इथेन का। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर, नो सर। चलिए तीसरा बनाएंगे, प्रोपेन। प्रो मतलब 3 कार्बन और एनी मतलब सिंगल बॉन्ड लेना है। पहले ले लिए हमने 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन ले लिए। अब कितने बॉन्ड लेने हैं, सिंगल बॉन्ड लेना है। चलिए सिंगल बॉन्ड ले लिया। अभी इसकी 2 वैलेंसी खाली है और इसकी 3 वैलेंसी खाली है।
जहाँ कुछ खाली वैलेंसी वहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे। इसको बीच में से स्प्लिट करेंगे हम तो तीन पार्ट बनेंगे। क्या बन रहा है? सी एच थ्री बॉन्ड, सी एच टू बॉन्ड, सी एच थ्री। इसको साथ में लिखेंगे तो क्या हो रहा है? तीन कार्बन और आठ हाइड्रोजन। देखो आपको मैं एक पैटर्न सिखा दूं, देखना आप, हमेशा ऐसी पैटर्न बनेगी। तीन का डबल करो और उसमें दो ऐड कर दो तो आपको यहाँ ये नंबर मिल जाएगा। तीन का डबल किया छः और दो ऐड किया आठ मिल गया। इसमें भी देखो, दो का डबल करो चार और दो ऐड कर दो छः, आपको ऐसा पैटर्न मिलेगा। टू टू ज़ा फोर प्लस टू, यहाँ पे जो है उसको डबल करो प्लस टू करो। सेम वे यहाँ पे भी क्या मिलेगा? तीन का डबल करो और दो ऐड करो तो आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएगा। चलिए ये बन गया प्रोपेन। अब बात करेंगे ब्यूटेन की। ब्यूटेन, ब्यूट मतलब चार कार्बन और सिंगल बॉन्ड लगाना है। अब पहले चेक कर लेते हैं, चार कार्बन मतलब चार कार्बन तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, कौन बताएगा? डबल करके दो करना है, टेन। डबल करके दो, टेन। टेन। अब चेक करते हैं, आते हैं क्या सच में, चेक करेंगे आते हैं क्या, देखते हैं। चार कार्बन लेने हैं, ले लिए चार कार्बन। सिंगल बॉन्ड लगाना था, सिंगल बॉन्ड लगा लिया। अब वैलेंसी चेक कर लेते हैं कितनी कितनी फ्री हो रही है। जहाँ जहाँ वैलेंसी फ्री हो रही है वहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे। इसको स्प्लिट करेंगे तो एक दो तीन और चार पार्ट बनेंगे। यहाँ पे क्या बना? सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड, सी एच टू सिंगल बॉन्ड, सी एच टू सिंगल बॉन्ड, सी एच थ्री। देख सकते हो आप, चार कार्बन और दस हाइड्रोजन। चेक कर लें, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस। आ गई बात समझ में? जितना यहाँ पे है उसको डबल करके दो ऐड कर दो। यहाँ पे चार कार्बन है, डबल करो, आठ हुआ, दो ऐड किया, दस हो गया। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो। अभी हम प्रोपेन की बात करेंगे। प्रोपेन शायद हो गया, ब्यूटेन की, पेंटेन की बात करेंगे। पांच कार्बन होंगे इसके अंदर और एनई है मतलब सिंगल बॉन्ड बनेगा, राइट? फॉर्मूला कैसा बनेगा कौन बताएगा? पांच कार्बन ले लिए हमने तो हाइड्रोजन कितना आएगा? पांच का डबल दस और दो ऐड किया बारह। चेक करते हैं चलो कितना आ रहा है। पहले तो पांच कार्बन लो। चलिए ये पांच कार्बन ले लिए, जहां वैलेंसी खाली वहां पे हाइड्रोजन। हर एक कार्बन की चार वैलेंसी होनी चाहिए, याद रखना आपको। स्प्लिट करने पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर और फिफ्थ, यहाँ पे बना हमारा सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड, सी एच टू सिंगल बॉन्ड, सी एच टू सिंगल बॉन्ड, सी एच टू
सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। देख सकते हो आप, पांच कार्बन, उसके सामने 12 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आ गई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, इसका एक जनरल रूल बना लेंगे, जनरल रूल जो आपको काम लगेगा, जनरल रूल कि आपको बार बार डायग्राम ड्रॉ ना करनी पड़े। क्या लिखेंगे, सी एन एच टू एन प्लस वन, यहाँ पे जो होगा उसका डबल किया प्लस टू कर दिया, ठीक है। अगर कार्बन वन है तो कार्बन का डबल किया और दो ऐड किया तो चार आ गया, कार्बन दो है तो डबल किया चार और दो छः आ गया, कार्बन तीन है तो डबल किया छः और आठ आ गया, कार्बन चार है डबल किया आठ और दो ऐड किया दस आ गया, कार्बन पाँच है डबल किया दस और दो बारह आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका जनरल रूल हो गया सी एन एच टू एन प्लस टू। जहाँ जहाँ पे n की वैल्यू आप चेंज करोगे आपको हाइड्रोजन की वैल्यूज मिलती जाएगी। लेकिन तक्ष बता रहा है टेन बॉन्ड नहीं, टेन बॉन्ड सब टेन कार्बन और वन बॉन्ड, टेन कार्बन और वन बॉन्ड। फॉर्मूला कौन बताएगा? एच कितने आएंगे? 22 डबल करो, डबल करो दो ऐड करो, डबल किया दो ऐड करो, हो गए 10 कार्बन, वैलेंसी फ्री पड़ी वहां पे हाइड्रोजन। मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, बॉन्ड बना के छोड़ रहा हूं। ठीक है, देख सकते हो कितने कार्बन आ रहे हैं, देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 चेक कर सकते हो, ठीक है। स्प्लिट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सी एच थ्री सी एच टू 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 और सी एच टू और फाइनली आएगा सी एच थ्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कार्बन हो गए, सबको मिलाएंगे तो क्या लिखेंगे, सी टेन एच ट्वेंटी टू। ये किसका फॉर्मूला है, डेकेन का, ठीक है। आपके घर में जो गैस की बॉटल आती है उसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है वो आपका असाइनमेंट रहेगा, और उसका फॉर्मूला क्या आएगा LP. वो आपको ढूंढ के लाना है, ठीक है। ये आज का होमवर्क रहेगा, और साथ में आपको मीथेन से लेकर मीथेन से लेकर डेकेन तक, मीथेन से लेकर डेकेन तक नोटबुक में अच्छी तरीके से लिखना है। कैसे, आपको मैं फॉर्मेट बता दूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या लिखना है, सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखना है कंपाउंड, जैसे लिख लिया मीथेन, फिर यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, फॉर्मूला क्या आएगा CH4
और फिर आएगा स्ट्रक्चर। ऐसे आपको फिर क्या करना है, ड्रॉ कर देना है। जैसे फिर एग्जांपल ले लिया, सेकेंड इथेन, इथेन नंबर ऑफ कार्बन दो, हाइड्रोजन दो दूनी चार और दो छः, क्या फार्मूला बनेगा, C2H6। ये यहाँ पे लग जाएगा और ये यहाँ पे लग जाएगा। फार्मूला कैसे, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है, वैसा आपको कहाँ तक जाना है, आपको 10 नंबर तक जाना है। कौन आएगा लास्ट में, डेकेन, 10 कार्बन 22 हाइड्रोजन C10H22, कार्बन से लेकर 10 तक। आ गई बात समझ में, प्रैक्टिस करोगे तो ये चैप्टर आपका होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। सर मुझे डाउट है, मींस कुछ पूछना है आपसे। हाँ बताओ। आपने मींस जो पहले पता है 3 चैप्टर और 8 चैप्टर की मींस पीडीएफ भेजी है, 64 पेजेस 38 पेजेस की, तो उतनी सारी हमें करनी है। तो क्या ना, ना, ना। अभी देखो, अभी का अभी का आपका होमवर्क क्या है, मैथमेटिक्स में 8.1, 8.2 और 8.3, ये आपका होमवर्क है ट्रिग्नोमेट्री का। और आज अभी दिया मैंने वो अल्केन वाला। सिर्फ इतना ही लिखना है ना, हाँ, सर इसमें पहले की बात कर, मींस पहले से स्टार्टिंग से जिसका बाकी हो, मेरे जैसे काउंट किया था मेरा, अभी उसका बाद में करेंगे एडजस्टमेंट। अभी आप इतना ही करो, इस वीक का सोचो, ट्रिग्नोमेट्री का 8.1, 8.2, 8.3 और मैंने अल्केन का आज होमवर्क दिया ये, ठीक है। जिन लोगों ने होमवर्क की नोटबुक सबमिट नहीं कराई है उनको टेस्ट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाकी श्रद्धा के मार्क्स अच्छे हैं, 15 में से 15 है, खुशी के भी अच्छे हैं, युक्ति के भी अच्छे हैं। जेनी ने नोटबुक सबमिट नहीं कराई, बट पेपर उसका चेक हो गया है। और बाकी सारे बच्चों ने भी होमवर्क की नोटबुक सबमिट नहीं कराई, इसलिए मैं मार्क्स अनाउंस नहीं कर रहा हूँ। होमवर्क नोटबुक सबमिट कराओ और मार्क्स लेके जाओ, ठीक है। होमवर्क करना शुरू कर दो संडे सर, में सर, ऐसा, कल तो बिजी था इसलिए मैंने किसी को कॉल नहीं, मैंने किसी को कॉल भी नहीं किया सर। ऐसा आपने तो मेरा तो देखा भी नहीं व्हाट्सएप पे वाला। हाँ सर मैंने भी देखा, आपने मेरा फोटोज भी नहीं, नहीं, नहीं कल मैंने भी देखा, आपने मेरा फोटोज भी नहीं, मतलब नहीं नहीं बोल तो रहा हूँ ना कि होमवर्क नोटबुक सबमिट कराओ, एक हाथ में नोटबुक और एक हाथ में मार्क्स, एक हाथ में मार्क्स देंगे मार्क्स, हाँ एक हाथ से दो एक हाथ से लो, ऐसा मत करो आपसे ऐसी, नहीं नहीं होमवर्क तो करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपका कुछ एक्टिविटी नहीं चल रहा है, होमवर्क करना पड़ेगा। चलिए किसी को डाउट है, होमवर्क की नोटबुक हम ये संडे को दे देंगे, मार्क्स तो दे दो लेकिन एटलीस्ट, हाँ रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, ऐसा मत कर पढ़ा तो दिया, अभी तो रिकॉर्डिंग बंद कर दो, ओके पढ़ा। ये हमारा अल्केन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये हमारा अल्केन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल हम अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। और इसका जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n+2, यहाँ पे जो है इसका डबल करना है और दो ऐड करना है, जिससे आपको सारे फार्मूलेज लर्न करने में इजी रहेगा, ठीक है। चलिए क्लास यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, टाइम ख़त्म होने आया है, ओके फाइन, कल वापस इस टाइम पे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।